मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे भी कभी भी मुझे बाहर न रहे, मुझे न्याय दिलवाइए आप लोग। वैसे उसको मिलनी चाहिए मेरा तो जैसे किया उसको भी वैसा। दूसरे तीसरे दिन 20 या 21 को पता चला हमको, ये पता चला कि वो किसी पार्टी में गया हुआ था या खाना खाने गया था। खाना खा के करीब 11-12 बजे जो वापस हो रहा था, तो वापस आते समय पीछे साइड से काफ़ी स्पीड के साथ किसी को 2-2.5 करोड़ के लगत की वो कोई गाड़ी है, वहाँ का कोई पूंजीपति है, उसका लड़का काफ़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा था और उसमें ठोकर मार दिया पीछे से, और ठोकर मारने से हमारा नाती गाड़ी से नीचे अपन गिर गया और एक लड़की भी थी तो करीब 10-15 फीट ऊपर फेंका के ऊंचाई में गिर कर को दूर फेंका दी, और बाद में ये पता चला कि दोनों की मृत्यु हो गई। तो हम पूरी घटना में तो हम ये देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है पूरा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है, और हमारे ख्याल से ये भी पता चलता है कि जो जिस सेठ के लड़के के द्वारा गाड़ी चला जा रहा था काफ़ी पैसे वाला है, और पुलिस में दबाव बना करके और मेडिकल में दबाव बना करके पूरी कार्रवाई की गई है। हमें तो ये भी लगता है कि उसने, क्योंकि पैसे वाली पार्टी है तो कोर्ट में भी दबाव बना गया है, क्योंकि जब 2 आदमियों की मृत्यु हो गई है तो इतने जल्दी जमानत भी नहीं देना चाहिए। लेकिन तत्काल दूसरे दिन अर्जी पेश की गई और कोर्ट ने तत्काल में जमानत दे दी गई, जबकि वो काफ़ी हमें यह लगता है कि पुलिस के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा और कोर्ट के द्वारा भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है। और हमें ये भी देखने में आया है, अक्सर मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बीच में जो मध्यप्रदेश से लड़के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, उनसे उनके साथ काफ़ी भेदभाव और पक्षपात किया जाता है। देखिए हॉस्पिटल में तो अनीस का छोटा भाई था और उनकी बुआ और फूफा जी टाइम से पहुँच पाए थे, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी उनको सपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं मिला है। ऐसी बात है कि मतलब जब वो अनीस वहाँ गए हैं तो ये हो गया था कि मतलब उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी या पहुँचते साथ ही हो गई है ऐसा पता चल रहा है, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी सपोर्ट नहीं था। शायद लोकल जो बिल्डर्स थे या जो भी गवर्नमेंट है या पुलिस, किसका भी उनके ऊपर दबाव रहा है, जिसकी वजह से उनने कोई भी सुविधा उनको प्रोवाइड नहीं कराई, यहाँ तक कि फ्रीज़र तक का भी उनने कोई भी प्रोवाइड नहीं कराया, फ्रीज़र भी प्रोवाइड नहीं कराया। जबकि वो ये जानते हैं कि ये लोग बाहर के हैं, इनकी फैमिलीज़ को आने में टाइम लगेगा, 20 घंटे 30 घंटे कितना लगता है, 2 दिन 3 दिन, तो उस समय तक तो कम से कम उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी डेथ बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है तो उसको कम से कम आप सेफ तो रखें। मतलब वो उसको फ्रीज़र तक अवेलेबल नहीं कराया, जबकि इन लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मतलब इतना तो आप करा ही दें, लेकिन उनने कुछ भी उसके लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं इसके चलते दूसरे दिन रात में 9 बजे जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, और काफ़ी समय बीत चुका था जिसकी वजह से बॉडी ऑलमोस्ट मतलब डिकम्पोस्ट हो चुकी थी, और यहाँ लाने के लिए भी हमको लगभग 22 घंटे का सफ़र तय करना था। उसके बाद फिर हमने जब एम्बुलेंस लिया उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्स जो मिला है हम लोगों को कि उसमें बर्फ़ डाल के और जो मतलब कैबिन होता है उसमें रखा है, फिर भी यहाँ आते आते तक जो है बॉडी काफ़ी मतलब खराब ही हो चुकी थी, जिसको कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल दबाव में काम कर रही थी, बिल्कुल संतोषजनक वहाँ का कोई भी रवैया जो प्रशासन की तरफ से नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, सारे लोग जान रहे हैं, पूरी मीडिया जो है जान रही है, पूरे लोग जान रहे हैं, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को ये जानकारी है कि वहाँ पर उन लोगों का रवैया बिल्कुल लचीला रहा है। उन लोगों को ये लग रहा था कि ये दूसरे राज्य के हैं तो मतलब इन लोगों को कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी भगाया जाए, हॉस्पिटल से भी जल्दी से जल्दी छुट्टी करने की बात की जा रही थी कि आप अपनी बॉडी लेके जाएं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इसके लिए, और प्रशासन भी एकदम लचीला हुआ था वहाँ पे। और अब 2 लोगों की जान, कोई नाबालिग लड़का जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव भी का केस बन सकता था क्योंकि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था,
है ना, और इतनी रफ्तार में वो गाड़ी ड्राइव करके चल रहा है, और उसके बाद दो लोगों की मतलब हत्या हो जा रही है उसके हाथ, और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ देने की वजह से ऐसे लोगों को और बढ़त मिलती है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय पर भी ऐसा ही वो करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मतलब इतना बड़ा केस हो गया, दो लोगों की जान चली गई, और पुलिस प्रशासन जो है उससे निबंध लेखन का एक प्रक्रिया करा रहे हैं कि मतलब आपको पाश्चाताप के लिए एक निबंध लेखन करना होगा। तो क्या यही न्यायिक प्रणाली है हमारे देश की?